मैं जब कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, दौड़ते जाना है, मंजिल तो मिलेगी ही। क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कटिहार की रानी कुमारी ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है। कटिहार की रानी कुमारी ने बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में 41वीं रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। एसडीएम के रूप में सिलेक्शन होने पर परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। रानी कुमारी ने बताया कि सफर बहुत कठिन था। मंजिल बड़ी हो तो सफर आसान नहीं होता है, लेकिन परिश्रम और मेहनत के कारण आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। जरा आप भी सुनिए सफलता की कहानी रानी की जुबानी। एक बड़ा एग्जाम पास किया आपने, कैसा रहा सफर, क्या कहेंगे? बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। अभी तो सफ़र तो थोड़ा कठिन ही रहा, क्योंकि अगर मंजिल बड़ी हो तो सफ़र तो आसान नहीं हो सकता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। कैसे तैयारी किया आपने? जी, तैयारी तो मैं कटिहार से ही, घर से ही की थी प्रॉपरली, और कोविड के बाद मैंने स्टार्ट किया तैयारी, और ऐसे यूट्यूब से ही बेसिक वहीं से मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी के बुक्स पढ़े और फिर ऐसे घटना चक्र वगैरह की भी पढ़ी, उसी से अपना सेल्फ स्टडी के द्वारा, और दो चार दोस्त जो अच्छे दोस्त थे फिर हम लोगों ने कभी कभी साथ में ग्रुप स्टडी भी किया। कौन सा रैंक मिला आपको? 41 रैंक है, 57 ऐसे रैंक दिखा रहा है अगर मेरिट लिस्ट के हिसाब से देखे तो। अच्छा, तो आगे जहाँ भी मिलेगा क्या सोचा है आपने? मैं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अच्छा कार्य करने का प्रयास करूँगी, शिक्षा के क्षेत्र में, फिर महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगी, जो भी गरीब बेरोजगारी से रिलेटेड जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको अच्छे से भली भांति क्रियान्वित करने की कोशिश करूँगी, लॉ एंड ऑर्डर्स वो भी अच्छे से क्रियान्वित करने की कोशिश करूँगी। मम्मी पापा का कितना सपोर्ट रहा, परिवार वाले का कितना सपोर्ट रहा? जी, बहुत सपोर्ट रहा। मेरे बैकबोन मेरे पापा ही हैं, और मैं अगर थक भी जाती थी, हार जाती थे, तो मेरे पापा मुझे प्रोत्साहित करते थे। मम्मी का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा हर चीज़ में। वो कभी भी घर का जैसे कोई काम होता है वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रहना है। भैया का भी बहुत सपोर्ट रहा, दोस्तों का भी बहुत सहयोग मिला मुझे, और गुरुजन भी कुछ सर लोग हैं जो हमेशा गाइडेंस प्रदान करते रहे, उनका भी सपोर्ट मिला। शुरुआती कहाँ से स्टार्ट हुआ आपकी पढ़ाई? जी, कटिहार से ही, और 10th मैंने मारवाड़ी पाठशाला कटिहार से किया है, और उसके बाद मेरा 12th DS कॉलेज कटिहार से, ग्रेजुएशन भी DS कॉलेज कटिहार केमिस्ट्री से रहा, फिर मैंने बीएड किया है पटना यूनिवर्सिटी से वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज से, फिर अभी एमएससी मेरा डीएस कॉलेज कटिहार से चल रहा है। अन्य बेटियों को क्या संदेश देंगे? जी, अन्य बेटियों को संदेश दूंगी, मैं भी एक बेटी हूँ, और मैं जब कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, दौड़ते जाना है, मंजिल तो मिलेगी ही। क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। मनसाही थाना क्षेत्र के कुरेठा की रहने वाली रानी कुमारी ने बीपीएससी परीक्षा में 41वां रैंक लाकर एसडीएम बनी है। बता दें कि रानी के पिता कुरेठा मिडिल स्कूल में सरकारी शिक्षक हैं, जबकि माँ गृहिणी। रानी का एक भाई और एक बहन है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से राजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।